मैं शपन महतो। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा झीलों में, नदियों में और पानी में कैसे इकोसिस्टम बनता है और ये इकोसिस्टम क्यों बनाना चाहिए है, और इकोसिस्टम बचाने के लिए क्या क्या मैनेजमेंट करना होता है, साथ में पानी में कैसे इकोसिस्टम बनाए मछली छोड़ने से पहले। तो वीडियो पूरा जरूर देखें फर्स्ट से लेकर अंतिम तक। तो बहुत सारे प्रकार के इकोसिस्टम होती है, जैसे कि स्थल इकोसिस्टम, पानी इकोसिस्टम और समुद्रिक इकोसिस्टम और जंगल में जो इकोसिस्टम बनता है, और वो पानी में जैसे कि डार्क फार्मिंग और मछली पालन और बहुत सारे होते हैं ग्रामीण। आसानी से वहाँ के जो बर्ड्स और एनिमल अपनाना चाहते हैं, जैसे कि मछली डार्क, वो आसानी से सर्वाइव कर पाएगी। तो ये बीमारी नहीं आना चाहते तो इकोसिस्टम को बना के रखना होता है। तो इकोसिस्टम कैसे बनती है उसी के बारे में पहले बताते हैं। इकोसिस्टम बनने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि मानो एक छोटा सा पॉन्ड है या झील है, वहाँ पे आप मछली छोड़ दिए, उसके बाद मछली के खाना देना जरूरी है। कौन सा खाना? जैसे कि एजोला, फाइटोप्लांक्टन, बहुत सारे ग्रास झीलों में मिलता है। तो ये होता है प्रोड्यूसर, जो खुद के खाना खुद बनाता है। प्रोड्यूसर जितना ज़्यादा होगा वहाँ का एनिमल भी उतना ज़्यादा बढ़ता रहेगा, और धीरे धीरे एनिमल की ग्रोथ भी जल्दी होती है इसके कारण, क्योंकि प्रोड्यूसर ज़्यादा होगा तो खाना ज़्यादा बनेगा, और खाना ज़्यादा बनेगा तो वहाँ का जो एनिमल रहेगा, वहाँ पे जो मछली रहेगा या डाक रहेगा, वो भी ज़्यादा खाने को मिलेगा लोगों को। और ये नेट में कुछ भी एनिमल का डेथ होता है तो इकोसिस्टम को हानि पहुँचती है, और इकोसिस्टम धीरे धीरे, तो चाहे कि आप मछली पालन कर रहे हो या डाक पालन, तो उसमें के लिए फन का और झीलों का इकोसिस्टम बना के रखिए। तो इकोसिस्टम वैसे बनते कैसे, जैसे कि मछली रहती है इसे पानी में, तो मछली के साथ आप क्या जैसे कि फाइटोप्लांक्टन, एजोला, ये सब छोड़ देना है। तो ये जैसे जाएगी तो क्या करेगा प्रोड्यूसर, जितने सारे प्रोड्यूसर रहेगी फाइटोप्लांक्टन, फाइटोप्लांक्टन से लेके एजोला और माइक्रो और छोटे बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, जो कि खाने के रूप में प्रोड्यूसर को ऑब्जर्व करती है, प्रोड्यूसर को खाती है। तो प्रोड्यूसर को जैसे खाती है उसके कारण खाना दबाव तो प्रोड्यूसर रखना जरूरी है, क्योंकि प्रोड्यूसर CO2 भी देता है, साथ में नाइट्रोजन भी देता है, साथ में भी खाना भी देता है। तो ये तीनों फॉर्मूला जरूर मेंटेन करें, इसमें एनिमल और वार्ड आसानी से सर्वाइव करती है और बीमारी बिल्कुल नहीं आती। ये इको सिस्टम क्यों नष्ट होती है, बहुत सारे ये नष्ट होने का कारण है, मानो कि बाहर से कुछ ऐसा पानी आ रहा है जो कि एनिमल और प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं है, जैसे कि केमिकल CO2 ज़्यादा परिमाण से आती है, एमोनिया ज़्यादा जमती है पानी में, तो भी ये फॉर्मूला काम नहीं करती और ये इको सिस्टम ठीक ठाक से सर्कुलेशन में नहीं होती है। तो नेचुरल नेट को बना के रखें, प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सही तरीके से मेंटेन करते रहो किसी भी एक सिस्टम बनाने के लिए, चाहे वो पॉन्ड का क्यों ना हो या झीलों का क्यों ना हो या नदियों का क्यों ना हो या समुद्र का हो, ये व्यवस्था रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो इको सिस्टम सही से काम नहीं करती। तो इको सिस्टम बनने के लिए पहले चाहिए इको खाना बनाने के लिए प्रोड्यूसर, और खाना को खाने के लिए कंज्यूमर बहुत सारे हो सकती है, जैसे कि कीड़ों मकोड़ों भी कंज्यूमर के काम करता है, साथ में पॉन्ड में मछली भी कंज्यूमर के काम करती है, और डाक रहती तो डाक भी कंज्यूमर के रूप में काम करती है। तो कंज्यूमर जैसे होना चाहिए, साथ में बैक्टीरिया करके मिट्टी में परिणत कर देता है, तो उस मिट्टी से धीरे धीरे और बहुत सारे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस होता है, जो कि एनिमल की हेल्थ की और अपने लाइफ स्टाइल को बढ़ाने के लिए और इकोसिस्टम को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये काम करती है। तो इकोसिस्टम को बढ़ाना चाहते हैं तो ये व्यवस्था जरूर करें, नहीं तो इकोसिस्टम सही से नहीं बन पाएगा, और इकोसिस्टम नहीं बनता है तो नेट भी नहीं बनता है, फूड चेन नहीं बनता है, और फूड चेन नहीं बनता है तो वहाँ के एनिमल्स और जो जितने सारे प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर रहता है, वो खाने का जो फूड चेन का प्रणाली है वो भी ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। तो
जैसे कि आप मछली पालन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले बैक्टीरिया करना पड़ेगा पॉन्ड में, साथ में बहुत सारे प्रोड्यूसर बनाना पड़ेगा साथ में जैसे कि आप मछली पालन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले बैक्टीरिया करना पड़ेगा पॉन्ड में, साथ में बहुत सारे प्रोड्यूसर बनाना पड़ेगा साथ में कंज्यूमर भी रखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं तो एक नेट बनाना या कुछ भी करना चाहते हैं तो ये इकोसिस्टम में करिए। इकोसिस्टम में करने से जो एनिमल रहता है इकोसिस्टम में वो भी सही से ग्रोथ करता है, और एनिमल को डिपेंड करके जो बैक्टीरिया रहती है वो बैक्टीरिया भी सही से खाना बना लेती है, साथ में जो डिकम्पोजर रहता है डिकम्पोजर मतलब बैक्टीरिया जो रहती है वो भी अपना लाइफ स्टाइल बढ़िया करता है। तो तीन चीज हमेशा ध्यान रखें, प्रोड्यूसर पहला होना चाहिए जो कि खाना बनाने के लिए, दूसरा खाना खाने के लिए बहुत सारे छोड़ना पड़ेगा कीड़े मकोड़े, मेंटेन करिए। और इकोसिस्टम मेंटेन नहीं होती है ठीक ठाक तो बीमारी आती है, तो बीमारी कैसे आती है वो भी आप इकोसिस्टम को देख के समझिए। जैसे कि पानी में प्रोड्यूसर की कम हो जाती है तो ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन का मात्रा कम होना है तो उसके लिए क्या करना है, फ्रेश ऑक्सीजन देना है, फिर फ्रेश एयर देना है। तो उसके लिए आपको पानी में जो एमोनिया है उसको घटाना है। एमोनिया कैसे जमती है, मानो कि वहाँ के जो एनिमल्स वहाँ में इकोसिस्टम में जितने सारे एनिमल्स रहेंगे उनमें से कुछ एनिमल होती है जो ठीक ठाक से अपना सही प्रणाली काम नहीं करते, इसके लिए कामकाज में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है इकोसिस्टम में, उसके कारण में एमोनिया भी जमती है। तो एमोनिया को दूर करने के लिए चूने का छिड़काव जरूर करें, जिसमें इकोसिस्टम में जितने सारे एनिमल्स और बार्ड रहता है वो ठीक ठाक से अपना काम सही से फिर से कर सकती है। साथ में नेचुरल प्रोड्यूसर की साथ में नेचुरल फीड का भी यूज करें, नेचुरल प्रोड्यूसर मतलब घास पत्ते और फाइटोप्लैंक्टन एजोला, ये जो नेचुरल फीड है वो यूज करें। और पानी में जैसे ही एमोनिया बढ़ती है तो चूने का भी स्प्रे मारे, नहीं तो चूने छिड़क के दे चारों तरफ से। साथ में बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाने के लिए गोबर यूज करें, नेट को सही से मेंटेन करें, सर्कुलेशन से करें, जिसे घूम फिर के वहीं पे आ जाता है और इकोसिस्टम बढ़िया बनता है और फूड चेन भी बढ़िया बनता है, और ग्रोथ भी एनिमल की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा स्पीड में होती है, हाई स्पीड में होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये मछली पालन करना चाहती है, डाक पालन करना चाहती है जिलों में पॉन्ड में, तो ये व्यवस्था जरूर करें, इसके कारण ग्रोथ आपकी सही से होगी, आप सही से मेंटेन कर पाओगे। बीमारी क्या बीमारी है और किसके कमी के कारण ये बीमारी आ रही है आसानी से आप पहचाने और जाने और बीमारी का सही से इलाज करें। पहले देख लीजिए प्रॉब्लम चार, ये चार प्रॉब्लम पहले ध्यान रखें, एमोनिया, ऑक्सीजन, CO2, हीट और पानी। पानी तो पानी में रहता ही है, तो पानी में एमोनिया, पानी में बनने वाले इकोसिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ इस वीडियो में पूरा जानकारी दे चुका हूँ इकोसिस्टम के बारे में और इकोसिस्टम के नेटवर्क के बारे में। तो ऐसे ही मैं और अच्छी वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा नेट कैसे बनती है और ये नेट की जाल कितना बड़ा होना चाहिए और कितना जगह की ज़रूरत है इसके लिए और जगह में कितने सारे आप एनिमल और बर्ड रख सकते हो आसानी से, चाहे कि फिश फार्म क्यों ना हो, डार्क फार्म क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों।